हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का आपके द्वार समाचार प्लेटफार्म पर स्वागत है। आइए चलते हैं, आप लोगों को स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करते हैं। तो छात्रवृत्ति अस्वीकृत होने की दशा में 15 दिन में करें अपील। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जानकारी संवाददाता फतेहपुर से संबंधित है। पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति को लेकर किए गए आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण न होने की दशा में अस्वीकृत किए गए हैं। अस्वीकृत हुए आवेदकों को एक और मौका देते हुए उन्हें अस्वीकृत होने का कारण ऑनलाइन व मैसेज के माध्यम से दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी DM के माध्यम से सभी कागजातों को पूर्ण करते हुए अपील कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी KS मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जनपद स्तर से अग्रसारित डेटा का परीक्षण निदेशालय स्तर पर किया गया है। डाटा में से भी विभिन्न कारणों से मिसमैच व गलत होने की दशा में रोक निदेशालय से लगाई गई है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियमों के अंतर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों के संबंध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृत के कारणों की जानकारी NIC के माध्यम से ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। छात्र के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अंदर संबंधित छात्र DM को अपील कर सकेगा और जिलाधिकारी उस पर सकारण लिखित आदेश पारित करेंगे और जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। ओके फ्रेंड, यह रही हमारी जानकारी। अब हम मिलेंगे आपकी समक्ष नेक्स्ट जानकारी में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।